हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स मार्च थर्ड और फोर्थ वीक के। ठीक है, इससे ही पहले दो वीडियो डाले, फर्स्ट वीक का और सेकंड वीक का। और आपको अगर हिंदी में भी चाहिए करंट अफेयर्स का मार्च का, करंट अफेयर्स मार्च हिंदी में, उसका भी एक वीडियो है, तो सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका इंडिया हांगकांग साइन डबल टैक्स एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया ने हांगकांग ने डबल टैक्स एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट बेसिकली है क्या, दिस एग्रीमेंट विल स्टिमुलेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल फ्रॉम इंडिया टू हांगकांग एंड वाइस वर्सा एंड प्रेवल डबल टैक्सेशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, दोनों एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया और हांगकांग के बीच में, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडी एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से की जाएगी, मतलब जितना भी इंडिया से हांगकांग में और हांगकांग से इंडिया में, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस ट्रीटी का मतलब यही है। ठीक है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। अभी इंडिया ने ईरान के साथ भी किया था, तभी मैंने आपको ही बताया था डबल टैक्स एग्रीमेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली का इंडिया हांगकांग के साथ, इससे पहले था इंडिया और ईरान का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, गवर्नमेंट टू सेट अप प्लास्टिक पार्क इन झारखंड देवघर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने नया पार्क, प्लास्टिक पार्क कहाँ खोला है, झारखंड देवघर डिस्ट्रिक्ट में। इसका इन्वेस्टमेंट है रुपीज़ 120 करोड़ का और 150 एकड़ एरिया में। देखिए, इसी के साथ साथ वहाँ पर सेटअप किया उनने सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट भी देवघर में ओपन किया है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा, प्लास्टिक पार्क झारखंड देवघर डिस्ट्रिक्ट। अगला है आपका नीति आयोग क्रिमिनल फाउंडेशन इंक एग्रीमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखिए, नीति आयोग और क्रिमिनल फाउंडेशन ने अभी एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, किसके लिए, हेल्थ एजुकेशन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, ये है क्या, नीति आयोग एंड क्रिमिनल फाउंडेशन हैव इंक SOI टू वर्क क्लोजली विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड की ऑफिसर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू सपोर्ट देयर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। देखिए, आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक नीति आयोग का प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें क्या, इस डिस्ट्रिक्ट अप्रॉक्सीमेटली 101 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है कंपीटिंग करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, रैंकिंग उनकी रहती है, वेरियस इंडिकेटर पर उनको रैंक दिया जाता है। इंडिकेटर आपके होगा जैसे हेल्थ रहता है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में जिस हिसाब से जिस डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उनको बेस्ट दिया जाता है। तो इसके लिए नीति आयोग ने, क्रिमिनल फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ SOI साइन किया। SOI क्या होता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मतलब अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्या काम करेगा, जो कि है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जो भी की ऑफिसर हैं उनके साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव कराने के लिए साइन किया है। ठीक है, SOI, तो आप ये याद रखिएगा, SOI, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। देखिए, नीति आयोग आपको पता ही होगा, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज होकर क्या रख दिया है अभी, नीति आयोग आपका। ठीक है, देखिए, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर क्या है, नीति आयोग। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी 1 जनवरी 2015 में इसका हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है। और इसके चेयरमैन रहते हैं आपके नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं अभी, और इनके CEO हैं अमिताभ कांत, इनके CEO हैं, और इनके चेयरमैन हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग से, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव ओपनिंग ऑफ 18 न्यू इंडियन मिशन इन अफ्रीका ओवर 4 ईयर पीरियड फॉर 2018 to 2021। डिसीजन इन दिस रिगार्ड वॉज टेकन एट यूनियन कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। देखिए, अभी क्या हुआ था, इंडियन अफ्रीकन समिट हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चेयरपर्सन थे प्राइम मिनिस्टर, तब डिसीजन लिया है कि इंडिया ने 18 और नए इंडियन मिशन अफ्रीका में ओपन करेगा। इससे पहले वहाँ 29 पहले से थे, अब 18 और करेगा, तो टोटल उसे हो गए हैं आपके 47। देखिए, है क्या रहता है, बेसिकली आपके नंबर ऑफ रेसिडेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, वहाँ की कंट्री है, जैसे अफ्रीका के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ रवांडा है, गोना है और लिबीरिया है, और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे न्यू इंडियन मिशन ओपन किए जाएंगे। तो बेसिकली ये वही है, और जो आप ये याद रखिएगा, इंडिया अफ्रीका समिट कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में। देखिए, अगला है आपका 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, नेचर फॉर वाटर, इस ईयर की थीम थी, और स्टार्टिंग हुई है वाटर डे की 22 मार्च 1993 में। ठीक है, अगला है आपका, देखिए, इंडिया फर्स्ट साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ 300 वर्ल्ड नॉन।
लॉन्च, ठीक है। इंडिया ने अभी अपनी फर्स्ट साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च की है 300 वर्ड की। ये डिक्शनरी किसने डेवलप बाय करे, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLR NTC अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच हुई है। और देखिए लिए है क्या आपकी ये साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, मैं बताता हूँ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, इसमें कैटेगरी ऑफ वर्ड रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल के आपका लीगल टर्म हो गया, टेक्निकल टर्म है, मेडिकल से रिलेटेड है, एकेडमिक है, और डेली बेसिस है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें वीडियो विद सब टाइटल, मतलब वीडियोज़ भी होंगे सब टाइटल के साथ, और इसमें इंग्लिश और हिंदी टर्म भी होंगे। ये बेसिकली किसके लिए रहेगा, जो आपके सुन नहीं सकते डेफ चिल्ड्रन हैं उनके लिए रहेगा कि वो इंग्लिश सीखने में उनको मदद मिल सकेगी, ठीक है। तो ये आपके ये सब ये साइन लैंग्वेज डिक्शनरी यही है, इंडियन फर्स्ट साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ 3000 वर्ड, आप ये याद रखिएगा। चलिए आपका अगला पॉइंट देखिए, फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग लॉ एनफोर्समेंट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। देखिए पहली हुई है ड्रग लॉ एनफोर्समेंट कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये किन्ने की थी, इनोग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ अफेयर फॉर होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, इनने की है। ये 2 डे कॉन्फ्रेंस थी, ऑर्गेनाइज किन्ने की थी, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड NCB और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए आपका नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये आपका एक है, ये बेसिकली क्या है, ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया है, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी मार्च 1986, ठीक है, मार्च 1986, आप याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हेडक्वार्टर इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। चलिए अगला है आपका देखिए, कैनेडियन मैथमेटिशियन रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स वन प्रेस्टीजियस एबल प्राइज 2018 फॉर हिज विजनरी प्रोग्राम कनेक्टिंग रिप्रेजेंटेशन थ्योरी टू नंबर थ्योरी। देखिए आपका एबल प्राइज है, ये बेसिकली दिया जाता है मैथमेटिशियन को, ठीक है, तो अभी ये मिला है रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स को, ठीक है। देखिए एबल प्राइज इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ पॉइंट है, देखिए ये देता है आपको गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे स्टेट देता है। स्टार्टिंग हुई थी इसकी 2003 में, ये भी याद रखिएगा, 2003 में, ठीक है, नॉर्वे, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे देती है, और ये दिया जाता है वहाँ, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के ग्रेट मैथमेटिशियन थे नील्स हेनरिक एबल, ठीक है, नील्स हेनरिक एबल, उनके कारण दिया जाता है उनके नाम पे। चलिए अगला है आपका देखिए, मार्च 24 है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस TB डे रहता है। इस ईयर की थीम थी इज वॉन्टेड लीडर्स फॉर अ TB फ्री वर्ल्ड, ठीक है, इस ईयर की थीम थी। देखिए ट्यूबरक्लोसिस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बीच बीच में बता देता हूँ जो आपके एग्जामों के लिए बाकी हुए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबर क्लॉसेस है आपका, ये आपको पता ही होगा, इन्वेंट किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, ये कॉज बाय बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, माइको बैक्टीरियम के कारण होता है, ये मेनली अफेक्ट करता है आपका लंग्स, और ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा ट्यूबर क्लॉसेस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला आपका देखिए, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव, अभी लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव बोला जा रहा है करमपुरी, ये कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, लतीसोहम विलेज इन ईस्ट खासी हिल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, तो आप ये याद रखिएगा करमपुरी मेघालय वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव। देखिए अगला है आपका, JS राजपूत नॉमिनेटेड एज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। देखिए आपका ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब इंडिया की तरफ से एक रहता है एग्जीक्यूटिव बॉडी बोर्ड, ठीक है, यूनेस्को के लिए, तो उसके लिए नॉमिनेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD करती है। अभी नॉमिनेट किया गया है JS राजपूत को, ये आपके फॉर्मर डायरेक्टर भी थे NCERT के, JS राजपूत जी। चलिए अगला पॉइंट है आपको देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम हैज ऑर्गेनाइज माधवपुर मेला। देखिए अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने माधवपुर मेला ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पे, माधवपुर गेट डिस्ट्रिक्ट इन पोरबंदर, ठीक है, माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, अंडर द बैनर एक भारत श्रेष्ठ भारत। और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री स्पेशली नॉर्थ ईस्ट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ कंट्री को सबको आपस में क्लोजनेस लाने के लिए है, और ये कहाँ स्पेशली किसके, नॉर्थ ईस्ट कंट्री के लिए है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, सॉरी, ठीक है, जितने भी है, माधवपुर मेला पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है आपका देखिए, छत्तीसगढ़ वॉज अवार्डेड विद नेशनल वाटर डाइजेस्ट अवार्ड। देखिए छत्तीसगढ़ को भी मिला है नेशनल वाटर डाइजेस्ट अवार्ड, किस लिए दिया गया है, वाटर कंजर्वेशन डाइवर्जन एंड इंक्रीजिंग द इरीगेशन कैपेसिटी इन स्टेट, ठीक है, नेशनल वाटर डाइजेस्ट अवार्ड छत्तीसगढ़ आपका। देखिए अगला पॉइंट है, इंडियन फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम ओपन इन, देखिए पहला इंसेक्ट म्यूजियम
खोला गया है कहाँ, तमिलनाडु, ये खोला है बेसिकली कोयम्बटूर तमिलनाडु में। चलिए आपका अगला पॉइंट है, देखिए द 11th सेशन ऑफ चाइना इंडिया ज्वाइंट ग्रुप, ठीक है। देखिए अभी 11th समिट हुई है चाइना इंडिया ज्वाइंट ग्रुप की, किसमें, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। तो आप ये याद रखिएगा हुई कहाँ है, न्यू दिल्ली में। देखिए इसको चेयरपर्सन थे इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु जी, और चाइना के मिनिस्टर थे ऑफ कॉमर्स कौन है, मिस्टर जॉन शेन। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।